शारदा तुम चिंता मत करो, यदि फिर से कहूँ है तो मैं बादल की उनसे लगता करूँगा, क्योंकि मैं बादल से बला हूँ ना। यदि ऐसी बात है ना तो हम तेरी और भास्कर दोनों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हम तुम दोनों से बड़े हैं। अम्मा उठा लो लाठी, अम्मा आप सब में से बड़े हैं और आपका दायित्व बनता है हमारी रक्षा करना। हाँ मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी, अपना डंडा चलाकर सारे कौओं को भगा दूंगी। चित है फिर तो अम्मा आप ग्वाल के बाल खड़े होकर हमारी रक्षा करो, क्योंकि कौए तो बालते आएंगे ना, और उन्हें हम तक आने ही मत दो और उन्हें लाठी से भगा दो। तो अनुचित है, बहुत बड़ा अपशगुन है, रामा घर से बाहर है, क्या नहीं कैसा होगा। प्रतीत हो रहा है ये कवे कुछ कहना चाह रहे हैं, परंतु क्या गुरुवर आप बता सकते हैं। हाँ गुरुवर बताइए। अरे बताइए पंडित रामकृष्णा। मुझे क्या पता गुरुवर, मुझे कौन सी इनकी भाषा समझ में आती है, तो हम कहाँ भाषा जानते हैं। गुरुजी आप प्रयास कीजिए ना, कीजिए प्रयास। हाँ करते हैं। कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं ये। कुछ तो अर्थ था इसका, कहना क्या चाहते थे ये कौवे, इसका कारण हमें ज्ञात करना ही होगा। आओ 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 चलिए सभी चलिए चलिए अपने स्थान पर। पता नहीं अम्मा हमारे नेत्रों को पड़कना तो रुक ही नहीं रहा, पता नहीं अभी तक दरबार में क्या कर रहे होंगे, अभी तक आए क्यों नहीं। कौवे आ जाएंगे? नहीं हम बस थोड़ा सा खोलकर देख रहे हैं, देखिए कहीं वो आ ना रहे हो। हर दिशा में है कौवे, पता नहीं है वो घर कैसे आ पाएंगे, कब जाएंगे, नगर से कैसे शांत होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा इन्हें आज घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। हे देवी माँ हमारे पति की रक्षा करना। आज से पूर्व हमें ऐसा विचित्र अनुभव कभी नहीं हुआ है, हमारे दरबार के भीतर पक्षी आ गए, कौवे आ गए और हम सबको घेर कर द्वार की तरफ कर दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक शिकारी अपने शिकार को शिकार करने से पूर्व घेर कर एक दिशा में ले जाता है, और जब पंडित रामकृष्ण ने कहा कि संभवतः ये हमें दरबार से निकालना चाहते हैं, तो यकायक वो सब गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? महाराज मुझे लगता है कौवे हमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, और मेरे विचार से वो हमें यहाँ से अर्थात दरबार से पलायन करने को कह रहे थे, प्रस्थान करने के लिए कह रहे थे, हमें अपने राज दरबार से प्रस्थान करने के लिए कह रहे थे। तो फिर वो मध्य में रुक कैसे गए, हम द्वार तक तो पहुंच गए थे, फिर हमें उस द्वार से बाहर क्यों नहीं निकाला। महाराज संभव है कि ये मात्र उनका संकेत हो, उनका मंतव्य कुछ और हो, वो अपने संकेतों के माध्यम से ये कह रहे होंगे कि हम दरबार से नहीं नगर से पलायन करें।
बेटा, नगर से पलायन? परंतु ये कैसे संभव है? परंतु वो हमें नगर से पलायन करवाना क्यों चाहेंगे? क्योंकि कौवे हमें यही दंड देना चाहते हैं महाराज। जी हाँ महाराज, कल पंडित रामाकृष्णा ने मंदिर में जो कौवे की हत्या कर पूर्वजों का अपमान किया है, ये उसी का दंड है महाराज। हम तो पूर्वी कह रहे थे हो गया, हम ना जाने आगे क्या होगा और कितना बड़ा अनर्थ होगा। ये पाप किया पंडित रामाकृष्णा ने, दंड सबको मिल रहा है। इनके महापाप के कारण सभी को दंड स्वरूप विजयनगर छोड़कर जाना पड़ रहा है महाराज। गुरुवर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं? क्या हम अनुचित कह रहे हैं? हम उचित कह रहे हैं पंडित रामाकृष्णा। और आप चुप रहिए। शांत हो जाइए गुरुवर, ये समय दोषारोपण का नहीं है, समस्या का समाधान ढूंढने का है, ये विचार करने का है कि कौवों की दुविधा से बाहर कैसे निकला जाए, इस संकट से कैसे निपटा जाए। महाराज, पूर्वजों की शक्ति परम शक्ति होती है, उससे निपटना मनुष्य के बस की बात नहीं है। उपाय मात्र एक है महाराज, नगर शुद्धि यज्ञ। यह यज्ञ ही पूर्वजों की आत्मा को शांत करेगा, उसी से कौवे शांत होंगे महाराज। कौवे शांत होंगे तो विजयनगर राज्य को कौवों के संकट से मुक्ति मिल जाएगी। महाराज, यदि यज्ञ ही समाधान है तो करवा लेते हैं। जी हाँ हाँ महाराज, यज्ञ कर लेते हैं। यज्ञ मणि यज्ञ कुछ समझा? अरे अपने चतुर चालाक बुड्ढे ने इस घटना में भी अपने लाभ की बात तो साध ही ली। इसे कहते हैं किसी की जलती चिता पर अपनी रोटी सेकना, और ये काम हमारे बुड्ढे को अच्छे से आता है। प्रशंसा कर रहे थे गुरुजी। रामा, गुरुवर तो यज्ञ बहाने अपने लाभ की सोच रहे हैं। महाराज, मेरे विचार से कौवों के उस विचित्र व्यवहार का कारण कुछ और है, हमें सबसे पहले उसका पता लगाना चाहिए। कारण आपका महापाप है पंडित रामाकृष्णा। और क्या पता लगाना चाहते हैं आप? और कुछ नहीं पता लगाया जा सकता, इतना समय है हमारे पास। महाराज, कौवे दरबार में प्रवेश कर आक्रमण कर चुके हैं, बाहर ना निकलने की धमकी तक दे चुके। हमारे विचार से यदि शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो महाराज प्रजा में कोहराम मच जाए। सत्य कह रहे आम गुरुवर, सत्य कह रहे हैं। यदि वो कौवे हमारे राज दरबार के भीतर प्रवेश कर हम पर आक्रमण कर सकते हैं तो हम ये विचार करना भी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे राज्य में, हमारे नगर में हमारी प्रजा के साथ क्या कर रहे होंगे। जी महाराज। और यदि इस समस्या का समाधान शीघ्र नहीं निकाला गया तो प्रजा में व्याकुलता बढ़ सकती है। यज्ञ एकमात्र उपाय है महाराज, तो यज्ञ कीजिए गुरुवार, और शीघ्र कीजिए। हम अपनी रानियों के साथ वहां पर उपस्थित रहेंगे। उत्तम है महाराज, अति उत्तम है। यज्ञ समाधान नहीं है, करने दो इन्हें यज्ञ, समाधान मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। ज्ञात नहीं कौवों ने नगर की क्या दशा कर दी होगी। प्रणाम गुरुवर।
प्रणाम 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 गुरुवर। प्रणाम 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 महाराज। पूरे विजयनगर में सन्नाटा फैला हुआ है, मात्र कौवे ही मंडरा रहे हैं चारों तरफ। हम पर भी उन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया था। हमारे पास ये छाता और सैनिक थे, इसलिए हम सुरक्षित हैं महाराज। हाँ महाराज, आज छाते ने अति महत्वपूर्ण कार्य किया है, नहीं तो हमें कौओं की चोच आज लग ही जाती। महाराज, आप कौओं को भगाने के लिए हवन कर रहे हैं ना? जी 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 महारानी जी, अब यज्ञ का प्रताप देखिए महारानी जी। यज्ञ आरंभ करने से पूर्व ही कौओं का यहाँ दिखना समाप्त हो गया। कौवे ऐसा कर क्यों रहे हैं? कल संध्या काल में मैंने बहुत से कौओं को उत्तर दिशा की ओर जाते देखा था। मुझे उत्तर दिशा की ओर जाकर ज्ञात करना चाहिए कि वहाँ क्या है, वहीं से कोई चिन्ह मिल सकता है। मुझे अभी जाना होगा। दिशा की ओर बढ़ते रहना चाहिए, उसी ओर इस विषय में मुझे कोई चिन्ह प्राप्त हो सकता है। दीवार के साथ साथ चल पड़। किसी के निवास में प्रवेश करना पड़ेगा। हटो, हट, हट। अरे, हट, हट, अरे, अरे, आ अम्मा, हमारा नेत्र का फड़कना तो रुक ही नहीं रहा है। हेमा, उनकी रक्षा करना। महारानी आप विराजी, आप विराजी, दोनों विराजी विराजी। जी जी गुरु। महाराज आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी यज्ञ आरंभ करते हैं। जी बैठ बैठ। चील पटाक थमकर दल भाव भाव। ये कैसा मंत्र है गुरुवर? ये महारानी ये यज्ञ आरंभ मंत्र है। अच्छा अच्छा। अग्नि प्रज्वलित कीजिए। करूं कैसे बचूं इन दुष्कर्मों से? कौवे कभी भी आ सकते हैं, अब कैसे बचेगा रामा? तुझे आज घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। रामा शीघ्र कुछ कर, कहीं किसी कौवे ने मुझे पकड़कर उखाड़ लिया तो।
हे देवी माँ। उनकी रक्षा करना, उनके संग रहना माँ। लगता है इस कंबल से ही बचा होगा। सर्वविघ्नः शान्तिः ॐ सर्वे बाधाः शान्तिः। महाराज अब हम मंत्र पढ़ेंगे, जब हम स्वाहा बोले तब आप अग्नि में घी अर्पण कीजिएगा। जी गुरुवर। और महारानी जी आप अग्नि में सामग्री अर्पण कीजिएगा ऐसे। स्वाहा। देखा मनी, गुरु जी को कोई मंत्र वंत्र तो आता नहीं है, किंतु मन ही मन मंत्र पढ़ने का स्वांग रच रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के स्वाहा स्वाहा की तेज तेज कर रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। क्या फर्क पड़ता है धन, धन प्राप्ति का मंत्र तो गुरु जी को आता है ना। मैं तो यही मांग रहा हूँ, कौवे जल्दी से आए और इस कपटी गुरु जी के शीश पर मार के चले जाए। स्वाहा 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 स्वाहा। देख धनी, कौवे आक्रमण की प्रतीक्षा में है। कौवे आक्रमण क्यों नहीं कर रहे? या तो इस कंबल के कारण वह आक्रमण नहीं कर रहे हैं, या कोई और कारण है। कंबल हटाकर देखना पड़ेगा। नहीं नहीं रामा, ऐसा मत करना। और यदि करना ही है तो मेरे ऊपर कंबल डाले रखना। चुप कर बंधु। देखा बंधु, कौवे ने मुझ पर आक्रमण नहीं किया, जबकि कुछ समय पूर्व ये मुझ पर आक्रमण कर रहे थे। इसका अर्थ ये है कि इनकी योजना परिवर्तित हो रही है। कौवों की योजना, अर्थात अब कौवे भी योजना बनाने लगे? वो तो ज्ञात नहीं बंधु, किंतु ये तय है कि कौवे सब कुछ योजना अनुसार ही कर रहे हैं। पहले ये छोटे झुंड में आक्रमण कर रहे थे, अब इनका आक्रमण विशाल हो गया है और दरबार में नहीं देखा था। पहले आक्रमण किया और फिर खुली धमकी देकर शांति से चले गए, उसके पश्चात मार्ग में आक्रमण कर रहे थे और फिर अचानक आक्रमण करना समाप्त कर दिया। और मेरा ये सोचना भी गलत था कि ये मुझ पर कंबल के कारण आक्रमण नहीं कर रहे, असल में इनकी योजना परिवर्तित हो गई है। परंतु अब क्या योजना है? वही तो समझ नहीं पा रहा बंधु। सारे के सारे कौवे तो यज्ञ स्थल की ओर बढ़ रहे हैं बंधु, योजना क्या है इनकी? हे ईश्वर, प्रतीत होता है ये यज्ञ स्थल पर ही आक्रमण करने वाले हैं। यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे महाराज को सावधान करना होगा। हाँ जा रहा है रामा। अरे बहुत दूर है यज्ञ स्थल। तो तू मुझे महाराज को सावधान करने का प्रयास करना ही होगा, ये सीधा महाराज के लिए बहुत बड़ा संकट है।
से कौओं के स्वर आने बंद हो गए, लगता है वो पुणे लौट गए। मैं जाके खिड़की खोल देखता, थोड़ी सी खिड़की खोलूंगा। ठीक है देख ले, और देख लेना कहीं वो ना आ रहे हो। खिड़की थी वो बंद कर लूं, कौवे चले गए हैं। तू सत्य कह रहे? स्वयं ही आकर देख लो। अच्छा हुआ चले गए, संकट टल गया, देवी माँ ने हमारी सुन ली। अम्मा ये कौवे एक ही साथ कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जाए हमें तो बस अभी लामा शीघ्र गल आ जाना चाहिए। महाराज थोड़े समय बाद यज्ञ समाप्त हो जाएगा और कौओं का आतंक भी समाप्त हो जाएगा। ओम स्वाहा स्वाहा। वाह, ईश्वर भी साथ दे रहे हैं। अरे हमको यज्ञ करना नहीं आता है, परंतु लक्ष्य तो कौओं को भगाना ही है ना। बस यज्ञ पूर्ण हो जाए और दक्षिणा मिल जाए, तत्पश्चात चाहे कौवे आ जाए, हम पुनः दूसरे यज्ञ का उपाय ढूंढ लेंगे और हमें धन मिलता रहेगा। स्वाहा। एक यज्ञ में 10,000 मुद्राएं, दूसरे में 20,000। क्या कहा गुरु? महाराज 30,000 मंत्र हो गए हैं, 1,000 मंत्र शेष, बस शीघ्र ही वो भी संपन्न हो जाएंगे और कौओं का आतंक भी स्वाहा। बच गया। हे माँ, अब क्या करूं? कैसे रक्षा करूं महाराज की? कबूतरों की संख्या इतनी अधिक है और इनका आक्रमण भी हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। महाराज महाराज वो देखिए कौवे इसी दिशा में आ रहे हैं। सावधान, सभी सावधान हो जाइए। सावधान हो जाओ। महारानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। हाँ महाराज। सतर्क हो जाओ, तैयार हो जाओ। हे भगवान, कौवे! गुरुजी, गुरुजी किस प्रतीक्षा में है गुरुजी? अब चमत्कार दिखाइए, अब तो चमत्कार दिखाइए, कौओं को अपनी मंत्रों की शक्ति से भस्म कर दीजिए। अरे चुप रहो, मूर्खो, गधे कहीं के गुरुजों को भस्म कर दे। पंडित रामकृष्ण ने एक कौवे की हत्या की, ये सब हो रहा है। यदि हमने हत्या कर दी कौवे की तो प्रलय आ जाएगी। कौवे दक्षिणा मिलने से पूर्व आ गए। आजार हो जाओ सब, जिस सत्य में बड़ा आक्रमण प्रतीत हो रहा है। रामा, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण कहां चले गए? क्षमा करना महाराज, इस विपत्ति की घड़ी में मैं आपके समीप नहीं हूं।
जात नहीं क्या होने वाला है, कुछ शुभ संकेत नहीं मिल रहा। और ये रामा क्यों नहीं आ रहे है? हाँ माँ, ये क्यों नहीं आ रहे अभी तक? ये क्या हो रहा है? ईश्वर, ये क्या अनर्थ होने वाला है? ये कौवे कर क्या रहे हैं? अम्मा, ये एक आकृति नहीं बना रहे? नगर खाली करो। महाराज, नगर खाली करने की बात कर रहे हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? असंभव, ये कैसे हो सकता है? ये कौवे में इतनी बुद्धि कहां से आ गई? और अक्षर ज्ञान कहां से सीखा इन्होंने? ये असंभव है। है ये कौवों का वार, विजयनगर खाली होकर रहेगा। ना ही कृष्ण देव राय रोक पाएगा और ना ही पंडित रामकृष्ण। नहीं, मैं विजयनगर के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं कुछ भी। इन कौवों में इतनी बुद्धि नहीं हो सकती है, कोई और है जो इनसे ये करवा रहा है। इन कौवों से बड़ा संकट वो व्यक्ति है जो इन्हें साध रहा है। महाराज, वो कौन है जो ऐसा साहस कर सकता है? ये साहस नहीं गुरुवार, दुस्साहस है। और जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसे उसका परिणाम भुगतना होगा। महामंत्री जी। महाराज, शीघ्र अतिशीघ्र अष्ट दिग्गजों की सभा आयोजित की जाए, इनसे निपटने का उपाय वही बताएंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज, एक निवेदन है। बताइए। महाराज, राजधर्म हमें इन मूक पक्षियों को मारने की अनुमति नहीं देता है, परंतु ये पक्षी अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, अन्यथा हमारी प्रजा में अनुचित संदेश जाएगा महाराज। हाँ महाराज। हाँ मंत्री जी, न चाहते हुए भी हमें ये आदेश देना होगा, इन पक्षियों पर आक्रमण किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आक्रमण कर दो, जल्दी आक्रमण कर दो, आक्रमण कर दो। सैनिकों, आगे बढ़ो। Yeah.
गिर रहे, मर मर के। अरे इन्होंने हम पर आकर मर गया। ये हम ही काटेंगे, ये हम ही काटेंगे। कोतवाल संभालो। अरे हमारी रक्षा करो, अरे कोई तो हमें बचाओ। ईश्वर मुझे क्षमा करना महाराज, आप सब पर आपत्ति आई हुई है और मैं आप सबसे दूर हूँ। मुझे आपके पास होना चाहिए, मुझे आपके पास होना चाहिए। महामंत्री जी, यदि इनका आक्रमण इसी प्रकार हुआ तो इनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। क्या है? बहुत काटा हमें, बहुत काटा। नहीं काटो, खेल काटो, काटा। आपको भी काटा महाराज, हमें बहुत काटा। चलिए महाराज, महाराज आप सुरक्षित तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है, परंतु ये कौवे अचानक चले कैसे गए? कोई तो है जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। धन्यवाद। ये क्या, इन कौवों ने तो फिर से अपनी योजना परिवर्तित कर दी, किंतु अब क्या है इनकी योजना? हम अपने जन्म स्थान से पलायन नहीं करेंगे, ना तो हम कहीं जाएंगे और ना ही नगर से कोई व्यक्ति पलायन करेगा। हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। चलो चलो आ जाओ, चलो। ये कौवे मृत्यु का रूप लेकर आए हैं, आ जाओ, चलो चलो। अब ये सब एक ही दिशा की ओर नहीं जा रहे, अर्थात अभी वो स्थान नहीं ज्ञात किया जा सकता जहां से ये आते हैं। नगर की रक्षा करो माँ, आगे कौवे ऐसा क्यों कर रहे? रक्षा करो माँ, रक्षा करो। मैं भी देखता हूं विजयनगर कैसे खाली नहीं होगा। विजयनगर को खाली होना ही होगा और वो कृष्ण देव राय का पूरा राजपाट समाप्त होगा।
पंडित रामकृष्ण सदैव विजयनगर को हर संकट से बचा लेता है, किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। सर्वप्रथम उसे ही मरना होगा। तो स्वयं यहां आएगा मेरे पास, मेरे हाथों मरने, मेरे बिछाए हुए कौओं के जाल में फंसकर। अरे ये क्या, अब ये पुनः झुंड बनाकर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, अर्थात अपने स्थान की ओर। अब मुझे इनका पीछा करना चाहिए, कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा। महाराज, महाराज हमें लगता है कि हमें किसी सुरक्षित स्थान पर प्रस्थान कर देना चाहिए। महाराज मंत्रीवर की उचित राय है, हमें किसी सुरक्षित स्थान में चले जाना चाहिए। कौओं से भयभीत होकर हम कहीं नहीं जाएंगे। सत्य कहे तो हमने स्वयं को इतना लाचार, इतना विवश कभी नहीं पाया है। और हमारे समक्ष हमारी प्रजा को धमका रहे हैं कुछ पक्षी, हमें ललकार रहे हैं। मनुष्य से तो युद्ध कर सकते हैं, परंतु इन कौओं से युद्ध कैसे करें? पंडित रामकृष्ण भी पता नहीं कहां चले गए। अरे ये हमेशा गायब हो जाते हैं, समय पे हमेशा ही नहीं मिलता। ये तो छुप के बैठे होंगे कहीं। महाराज नहीं गुरुवर, महाराज हमें पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामकृष्ण इन कौओं की चेतावनी से अवगत हो गए होंगे, और हमारे ये भी विश्वास है कि इस समस्या का समाधान पंडित रामकृष्ण अवश्य निकालेंगे। छुपा बैठा होगा कहीं डरपोक पंडित रामकृष्ण। समझता वो समस्या का समाधान ढूंढने हेतु गए होंगे। आप सब कहां जा रहे हैं? पंडित रामकृष्ण जी, आप कौओं की चेतावनी से अवगत नहीं? मुझे सब ज्ञात है, किंतु कौओं के भय से क्या माँ को छोड़कर जा रहे हैं? मैं अपनी माँ को साथ ले जा रहा हूँ। मातृभूमि सबसे बड़ी माँ होती है। मातृभूमि तो तब होगी पंडित रामकृष्ण जब हम जीवित रहेंगे। आप स्वयं ही देख लीजिए, कौवे आसमान में ही हैं, क्या पता कब आक्रमण कर दे। आप मेरी सलाह मानिए तो स्वयं अपने परिवार के साथ विजयनगर से पलायन कीजिए। लज्जा आती है मुझे आपके विचार सुनकर। उचित है, चले जाइए, आप सब चले जाइए, क्योंकि आप में से किसी को भी विजयनगर में रहने का अधिकार नहीं है। किंतु जाएंगे कहां? जहां जा रहे हैं वहां से भी किसी ने पलायन करा दिया तो? आज यहां से जा रहे हैं, कल कहीं और से भगाए जाएंगे, तत्पश्चात कहीं और से। स्मरण रहे, कायरों के लिए कोई स्थान नहीं होता। और कहां से कहां भागोगे मित्र? जो अपनी माँ को छोड़ देता है ना, उसे कोई स्थान नहीं मिलता। फिर भी अंतिम निर्णय आपका ही है, आप पलायन करने के लिए स्वतंत्र हैं। जाइए। पंडित रामकृष्ण जी, आप सत्य कह रहे थे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जिएंगे यहीं, मरेंगे यहीं। ये विजयनगर हमारी मातृभूमि है, यही रहेंगे, पंडित रामकृष्ण को मेरे कौवे यहाँ ला रहे हैं, स्वयं मछली जाल में फंसने आ रही है। कृष्ण देव राय, अब नहीं बचेगा तुम्हारा विजयनगर, समाप्त हो जाएगा।
अकलमंद तुम हमारा गधा नहीं है। तुम हमारा गधा होता तो तुमको मालूम पड़ जाता ये घास हम तुमको विजयनगर पहुंचने के बाद खिलाएगी। अभी खिलाएगी तो तुम सुस्त हो जाएगी, तुम्हारा रफ्तार घट जाएगा। खाली बली नहीं खिलाएगी, नहीं खिलाएगी। नखरा मत करना हमारे साथ, गुस्सा आएगा हमको। चलो विजयनगर चलो। अरे ये क्या भला इतने सारे कौवे एक साथ? विजयनगर पे अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे पति की रक्षा करो माँ, रक्षा करो। महाराज क्या सत्य में नगर रिक्त हो जाएगा? क्या हम सबको विजयनगर से पलायन करना पड़ेगा? असंभव असंभव महारानी चिन्ना देवी, कौवों से भयभीत होकर कोई भी पलायन नहीं करेगा, ना हम ना आप और ना ही विजयनगर राज्य की प्रजा। परंतु महाराज कौवों का अगला आक्रमण हम किस प्रकार से रोक पाएंगे? उनकी चेतावनी के अनुसार यदि हमने नगर रिक्त नहीं किया तो वो पुनः आक्रमण करेंगे। महामंत्री जी एक बात तो स्पष्ट है कि कोई अवश्य ही इन कौवों का उपयोग कर रहा है इन्हें अपना मोहरा बनाकर, परंतु कौन ये समझने में हम असमर्थ हैं। पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? किस दशा में होंगे? महामंत्री जी ये समय महल में बैठकर विचार विमर्श करने का नहीं है, अभी तो कार्यरत होने का है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का है। यदि यह चुनौती विजयनगर राज्य के समक्ष आई है तो यह चुनौती हम स्वीकार करते हैं, हम करेंगे अपनी प्रजा की रक्षा, हम स्वयं जाएंगे। सेना तैयार करवाइए और समस्त राज्य में फैला दीजिए, प्रजा की रक्षा हम करेंगे। कि कवरे तो उस पहाड़ी में गुफा के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, मुझे वहां जाना होगा। रामा क्या कर रहा है तू? कौवों की गुफा में जाएगा? शेर की गुफा में प्रवेश करने का क्या परिणाम होता है विदित है ना? ये कौवे छोड़ेंगे नहीं तुझे, और सबसे पूर्व तुम मुझे उखाड़ेंगे। बंधु कौवों का रहस्य जानने के लिए उस गुफा के भीतर प्रवेश करना ही होगा, तभी इनका रहस्य ज्ञात होगा। और संकट तो समस्त विजयनगर पर छाया हुआ है, अब संकट से क्या भयभीत होना? समय ही तो नहीं है बंधु, जाना तो पड़ेगा। रुक जा रामा, मृत्यु के द्वार में प्रवेश मत कर। सब यहां क्यों एकत्रित हैं?
क्या कर रहे हैं यहाँ? कौन है इनका मुखिया जिसके आदेश पर ये सब आ रहे हैं? और ये सब अचानक इतने शांत कैसे हैं? कहीं ये सब भी इनकी योजना का भाग तो नहीं है? स्वागत है पंडित रामा कृष्णा। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? अपना परिचय भी दूंगा, उससे पूर्व ये मत सोचना कि तुम यहाँ स्वयं आए हो, तुम तो यहाँ लाए गए हो। पंडित रामकृष्णा, मेरे बुने हुए जाल में फंसकर तुम यहां आए हो। अर्थात कौवे मुझे योजना अनुसार यहां तक लेकर आए? हाँ, बुद्धिमान हो, फिर तो ये भी समझ गए होंगे कि यहां आने के पश्चात पुनः वापस नहीं जा पाओगे। स्मरण है ना, कौवे ने जो समय दिया था वो समाप्त हो चुका है, अब पूरे नगर पे कौओं का प्रकोप होगा। था ना, आ तो गए हो किंतु यहां से वापस नहीं जा पाओगे। तुम यहां मरोगे और वहां मेरे कौवे नगर के लोगों को अपना आखेड़ बनाएंगे। विजयनगर साम्राज्य का अंत होने वाला है पंडित रामकृष्णा। महाराज, कौवे ने जो चेतावनी दी थी उसकी अवधि समाप्त हो गई है और हमें ज्ञात है कि उनकी चेतावनी कोई मिथ्या नहीं थी। वो देखिए महाराज, वो देखिए, पुनः एक बार ये कौवे अपना झुंड बनाकर तबाही मचाने आ रहे हैं। सावधान सैनिकों, सभी सावधान। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो ये सब? और इन कौओं को नियंत्रित कैसे करते हो? मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। तुम्हारी जिज्ञासा भी शांत होगी पंडित रामा कृष्ण। मेरी बचपन की शत्रुता है कृष्ण देव राय से। हम दोनों एक ही गुरुकुल में अध्ययन करते थे। मुझे बाल्यकाल से यांत्रिक वस्तुएं बनाने का बहुत चाव था। यांत्रिक वस्तुएं बनाना, उनका प्रयोग करना मुझे बहुत आनंद देता था। एक बार मैंने अपने बनाए हुए यंत्र से एक दुकान में आग लगा दी, दुकान का धन चुराने के लिए। कृष्णदेव, छोड़ दो मुझे। नहीं, ये अपराध है और इसके लिए तुम्हें गुरुजी के पास चलना ही पड़ेगा। नहीं कृष्णदेव, छोड़ दो मुझे। चलो कृष्णदेव, छोड़ो। कृष्णदेव राय ने उस घटना के बारे में गुरुदेव को सब कुछ बता दिया था।
जिसके कारण गुरुदेव ने मुझे गुरुकुल से निष्कासित कर दिया था। अपनी लज्जा और अपमान से बचने के लिए मैं दूसरे नगर चला गया। तब से मेरे हृदय में कृष्णदेव राय से प्रतिशोध लेने की भावना सुलग रही है, जो आज जाकर शांत होगी। मैं कृष्णदेव राय से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने आया हूँ, और मैंने ही कौवों को प्रशिक्षित किया है। ये मेरी हर आज्ञा और हर संकेत समझते हैं। मैं जो भी चाहूं वो इनसे करा सकता हूँ। कौवों को प्रशिक्षित किया है, ये कैसे संभव है? असंभव कुछ नहीं होता पंडित रामाकृष्णा, वो देख रहे हो। उसकी ध्वनि से मैं कौवों को नियंत्रित करता हूं। हर प्राणी की एक भाषा होती है, वो बहुत सी ऐसी ध्वनियां भी निकालते हैं जो हम मनुष्य सुन नहीं पाते। मैंने शोध करके कौवों की भाषा को जाना है। वो पत्थर से जब तार टकराते हैं ना, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे मैं कौवों को नियंत्रित करता हूं। ये तुम देख भी चुके हो और देख भी रहे हो। तुम तो यहां बैठे हो, फिर उन कौवों तक ये ध्वनि पहुंचती कैसे? वो बड़े पत्थरों वाला नियंत्रण यंत्र अभी बना है, जिससे मैं सारे नगर में ध्वनि फैलाकर सारे कौवों को नियंत्रण में करता हूं। इसके बनने से पूर्व में सूक्ष्म यंत्र से उन्हें नियंत्रित करता था। किंतु उस दिन दरबार में जब मैंने कहा कि कौवे हमें वहां से बाहर निकालना चाहते हैं, तो कौवे मेरी बात सुनकर शांत क्यों हो गए थे? क्या वो मेरी भाषा भी समझ रहे थे? नहीं, उस समय मैं दरबार के बाहर ही खड़ा था और सब बातें सुन रहा था। तब दरबार के बाहर से इससे मैंने उन्हें ध्वनि निकाल कर शांत होने का संदेश भेजा था। और तुम सब लोग समझ रहे थे कि कौवे तुम्हारी भाषा समझ रहे हैं। मात्र वही नहीं, मैं तो उस मंदिर में भी था जहां तुम अपने पिता की तिथि की भोज के लिए गए थे। और जब तुम कौओं को भोजन खिलाने आए थे, उन कौओं ने एक औरत और उसके बच्चे पर आक्रमण किया था। कोई बचाओ! हटो, हटो, हटो! वो कौवा मृत नहीं था, किंतु मेरा आदेश मानकर उसने मृत होने का अभिनय किया था। उन सब के जाने के पश्चात वो उड़कर चला गया था। चलो सब! मैं प्रारंभ में हर उस स्थान पर था जहां कौवे आक्रमण कर रहे थे, इसलिए पहले मात्र कुछ ही कौओं ने प्रहार किया था, क्योंकि मेरा बड़ा यंत्र निर्मित नहीं हुआ था। किंतु अब ये तैयार हो चुका है और मैंने सहस्त्रों कौओं को नियंत्रित करके उन्हें नगर में भेज दिया है। तुम्हें अपने पास लाने के लिए कौओं को यहीं से ही मैं गुफा में आने का संदेश दे रहा था, ताकि तुम कौओं का पीछा करते इस गुफा में आ जाओ। तुम कहोगे कि मुझे कैसे ज्ञात हुआ कि तुम कौओं का पीछा करोगे? तो पंडित रामाकृष्णा, तुम्हारी बुद्धि को समस्त संसार जानता है। मैं समझ गया था कि तुम कौओं का पीछा कर उनका रहस्य जानने का प्रयास अवश्य करोगे। मैं तुम्हें स्वयं ही यहां ले आया ताकि मैं तुम्हें यहां बंद कर सकूं। तुम नगर की दुर्गति के साक्षी बनने के पश्चात मरो। पिता,
अर्थात यदि ये पत्थर इन विचित्र रस्सियों से ना टकराए तो कौवे आक्रमण करना बंद कर देंगे। जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो पंडित रामाकृष्णा, किंतु तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम इस गुफा से बाहर नहीं जा पाओगे और ना ही विजयनगर पर होने वाली कौवों द्वारा तबाही को रोक सकते हो। तनिक भी हिले तो यही मारे जाओगे। अब क्या करूं, आगे जाकर पत्थर को कैसे रोकूं? पत्थर को नहीं रोका तो विजयनगर और मेरा परिवार नहीं बच पाएगा। तो पैर रखते ही पत्थर धरती में धंस रहा है, किंतु अवश्य ही इनके बीच ही वो पत्थर भी होने चाहिए जिसके माध्यम से आगे जाया जा सकता है। We'll be right back.
विजयनगर को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। समझने का प्रयास करो चंदेलू, ये अनुचित है। हमारे पास वैज्ञानिक कला है किंतु तुमने आज तक उसका सही उपयोग नहीं किया, मात्र अपराध किए हैं। ईश्वर ने तुम्हें ये कला मनुष्य के कल्याण के लिए दी है। अब भी समय है, सचेत हो जाओ। मैं महाराज से तुम्हें दंड मुक्त करवा सकता हूँ। दूर जाना मुझसे चंदेलू। तुम मेरी योजना विफल नहीं कर सकते। सर्वप्रथम तुम्हें ही मरना होगा। जय मां काली। अचानक जा क्यों गए? चलो चलो चलिए बाहर। चलो 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 चलो। यज्ञ भी समाप्त हो गया और कौओं का आक्रमण भी, परंतु पंडित रामकृष्ण की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही। समझ में नहीं आ रहा है वो गए कहां। मंत्रीवर, चिंतित ना हो, मैं सुरक्षित हूँ। किंतु शीघ्र ही सैनिकों को भेजकर काली घाटी वाली गुफा में उस चंद्रेलू को पकड़वाएं, अन्यथा वो भाग जाएगा। चंद्रेलू? ये चंद्रेलू को ना पंडित रामकृष्ण, ये सारा प्रपंच उसी का रचाया हुआ था। मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। मंत्रीवर शीघ्र करें। सैनिकों, कोतवाल मंत्रीवर, तुम सैनिकों को लेकर काली घाटी पर कूच करो और उस चंद्रेलू को बंदी बना लो। तब तक पंडित रामकृष्ण, हम महाराज को जाकर सूचित करते हैं कि आप सुरक्षित हैं। जी मंत्रीवर। सिपाहियों आ जाओ। बहुत सही समय पर अदृश्य हो गए पंडित रामकृष्ण। यदि हमने यज्ञ ना किया होता विजयनगर को इन कौओं के प्रकोप से बचाना अत्यधिक कठिन होता। वैसे हर कार्य का श्रेय लेना तो आपकी आदत हो चुकी है, लीजिए इसका श्रेय भी आप ही लीजिए। Oh.
अकलमान जाओ, आ गई तेरी मंजिल, अब तेरा काम तमाम और हमारा काम शुरू। होशियार पंडित रामा कृष्णा, मैं आ गया हूँ। आज से तुम्हारी जिंदगी का नया इम्तिहान शुरू आगाज करेगा, यलगार करेगा। आज एक बार फिर तुम्हारी कृपा से मेरा परिवार और पूरा विजयनगर सुरक्षित है माँ, बस ऐसी ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। माँ शारदा गुंडप्पा, ये लो प्रसाद। माँ की कृपा से पूरे स्वप्न का प्रभाव समाप्त हो चुका है, जितना भी बुरा होना था हो चुका, अब धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी, प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम, आप सब? पंडित रामकृष्ण जी, हम सभी आपका धन्यवाद करने हेतु आए हैं। पंडित रामकृष्ण जी, आपने कौओं की समस्या सुलझाकर नगर को रिक्त होने से बचा लिया। हम सभी आपके इस उपकार के बदले आपके लिए भेंट लाए हैं, पहले स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। शब्दों द्वारा प्रकट की गई कृतज्ञता ही मेरे लिए पर्याप्त है। क्षमा करें किंतु मैं ये भेंट स्वीकार नहीं। लाइए लाइए। माँ, कृपया अपने उपहार यहाँ लाकर रख दीजिए। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए पंडित रामकृष्ण जी। जी धन्यवाद। हाँ चलिए चलिए चलिए, लिखो अच्छे से। रुकिए रुकिए, बिना सीमा शुल्क दिए विजयनगर में कहां घुसे जा रहे हैं आप? कौन हैं आप? जनाब हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, लिखो मुसाफिर। शुल्क लाइए शुल्क। कैसा शुल्क, कैसा मुल्क? ये क्या अखबार विवाद हो रहा है आचार्य? देखिए, ये बिना सीमा शुल्क दिए विजयनगर में घुसे चले जा रहे हैं। है? परदेशी लगते। हम बगदाद से आई है जनाब। आप बहुत शातिर लगते हो। शातिर अर्थात? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये महोदय आपकी असलियत पहचान गए हैं, संभल कर रहेगी। शातिर के मारे जो भी हो, हम जो हैं वो हैं। हम विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य, आपने शुल्क क्यों नहीं दिया? बताइए। कोतवाल, इसकी वेशभूषा देखो, ये वेशभूषा से दूल्हे जैसा दिखता है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है विजयनगर में विवाह करने आया है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगती, आप पता कीजिए। हाँ, हम पूछते हैं। अच्छा ये बताइए, आप विजयनगर में विवाह करने आए हैं? वाह वाह नहीं, विवाह। हाँ, विजयनगर में विवाह करने आए हैं। सौदामिनी देवी? ये सौदामिनी देवी से विवाह करने आया है? नहीं नहीं गुरुजी, ये महोदय सौदामिनी देवी से विवाह करने नहीं आए हैं। हम समझ गए, इनके यहाँ पे विवाह होने का संकेत होता है ऐसा। ओ, हम निकाह के वास्ते बेगम की तलाश करती और उसी के लिए विजयनगर आई। आप चिंतित मत होइए जी, आपका विवाह विजयनगर में अवश्य होगा। तुम आदमी बहुत समझदार लगती। वो तो हम हैं। अभी जरा कौन है वीरानगी में आएगी हमारे साथ?
आई कोने वीरानगी में आई जनाब, आई जनाब। अरे रुको, हमें बुलाया है कौन आए वीरानगी में, खड़े रहो। जी गुरुजी। अच्छा आइए, हमारे यहाँ तो उसे एकांत कहते हैं। अच्छा बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जनाब छोड़िए उसे, आप हमारा काम का बात सुनेगी। विजयनगर में दाखिले का शुल्क लगता है, विजयनगर में विवाह निकाह करने के लिए भी शुल्क देगी। कोतवाल है, विजयनगर में प्रवेश करने का शुल्क लिया है। अच्छा, विजयनगर में विवाह पर शुल्क नहीं लगता। अच्छा, तो फिर आप क्यों शुल्क मांगती? हम कहाँ मांगती, वो तो हम आपके लिए वधू अर्थात आपके विवाह में आपकी सहायता करेंगे। कोतवाल जो है ये आपकी सहायता नहीं कर सकता है, हम आपकी सहायता कर सकती हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। शुक्रान, शुक्रान, अब यही बात हम कोतवाल भी मुझे सुनेगी, फिर हमको सुकून मिल जाएगी। अभी हम जाकर उससे थोड़ा गुफ्तगु करके आती। नहीं, क्या करती? अभी आपका बातचीत करके आती। अच्छा। गुफ्तगु, बातचीत। जनाब कोतवाल, हमारे दाखिले की रकम शुल्क शुल्क राजगुरु देगी। राजगुरु क्यों देगी? वो देगी खुलूस मोहब्बत, पूछो देगी। हबीबी अंता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब आप विजयनगर में प्रवेश कर सकते हैं। शुक्रिया, ममनून मशकूर। ममनून ममनून, आप मेरा नाम नहीं पूछेगी? नाम? अरे अभी तो बताया आपने, मुसाफिर, उसने लिखा है ना? मुसाफिर हमारा नाम नहीं है, हमारा असली नाम नहीं है। तो फिर क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाद में बताऊंगा। देखिए, नहीं, नहीं नहीं, बाद में नहीं, अभी बताना पड़ेगा। यहाँ विजयनगर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का संपूर्ण लेखा जोखा उस पुस्तिका में अंकित होता है, वो राजकीय नियम है। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, बता तो रहे हैं। तुम बताइए, बाद में बताऊंगा। अब फिर बाद में बताऊंगा, देखिए जो है अभी बताना होगा। यही तो हमारा नाम है, बाद में बताऊंगा। नाम बाद में बताऊंगा, अरे ये कैसा नाम है भाई, बड़ा ही विचित्र नाम है। हम भी तो अजीब गरीब है। आप गरीब उपहास कर रहे हैं। शुक्रन शुक्रन, हम जाती दाखला लेती हम। राजीव वो काटो और लिखो, बाद में बताऊंगा। हम तो कहती है, कभी कहती है गुफ्तगु, कभी कहती है कौन आए वीरानगी। अरे आचार्य, वो जितना विचित्र मनुष्य था उतना ही विचित्र उसका नाम था। अच्छा अब वो सब छोड़िए, लाइए चांदी का मुद्रा दीजिए। अरे चांदी की मुद्रा? चांदी की मुद्रा हम क्यों दे? अरे आपने तो संकेत दिया था सीमा शुल्क के लिए। हमने कब संकेत किया? अरे अभी किया था, धनी मनी देखो, गुरुजी ने दिया था ना। संकेत दिया था, हमने देखा था, हमने भी देखा था। अरे देखा था इन्होंने, हमने संकेत दिया था। हाँ दिया था। अरे वो हमें मूर्ख बना गया। अरे अरे पकड़ो उसे। अरे अरे हमें मूर्ख बना गया। आइयो पकड़ो, देखो कहाँ गया वो, पकड़ो उसे, वो बाहर बताऊंगा कहाँ गया। अरे हट, अरे भाई ये किसका गधा है, इसे रास्ते से हटाओ। अरे ये तो बुद्धिदास है। अरे भाइयों सतर्क हो जाओ, बुद्धिदास विजयनगर वापस आ गया। आप इससे क्षमा मांग लीजिए और इसे गो मत कहना। क्या नहीं कहना? अरे वही, ये जो है इसे इसे बुद्धिदास क्या संबोधित कर रहा। समझ गया समझ गया। बुद्धिदास जी, बुद्धिदास जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे त्रुटि हो गई। बुद्धिदास जी, बुद्धिदास जी ने मुझे क्षमा कर दिया। चलो चलो आ जाओ। हाँ। आ जाओ जल्दी से, क्षमा कर दिया बुद्धिदास जी ने, क्षमा कर दिया। ए बंधु। रामा वो क्या है? क्या नहीं बंधु, ऐसा प्रतीत होता है कोई नई चुनौती है जो घूम फिर कर तेरे सर पर ही आने वाली है। शुभ शुभ बोल, तिमरसु जी से पूछ। हाँ क्या है
जाइए, खड़े रहिए। तो खड़े तो हैं, खड़े तो हैं। बड़े आए हमसे मुद्राएं मांगने वाले, मुद्राएं दो मूर्ख। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम कोतवाल जी। गुरुवर और कोतवाल जी को क्या क्या है, घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? मित्र नीचे कीजिए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। पंडित रामकृष्णा जी महाराज, आपको दिग्गज का पद प्राप्त किए 6 माह होने को है। जी महाराज। आपको तो ज्ञात होगा दिग्गज का पद प्राप्त करने के पश्चात उस व्यक्ति को 6 माह के भीतर भीतर प्रख्यात भारतीय ग्रंथों एवं रचनाओं का प्रचलित भाषा में अनुवाद करना होता है। जी महाराज। अद्भुत। तो अब तक आपने कितने ग्रंथों एवं रचनाओं का अनुवाद किया है पंडित रामकृष्ण? प्रश्न इतना कठिन नहीं है पंडित रामकृष्ण, उत्तर है एक भी नहीं। ये फंसा पंडित रामकृष्ण। वो महाराज, मैं राजकीय कार्यों में व्यस्त रहता हूँ और नित नई चुनौतियों को पूर्ण करने का दायित्व भी मुझे ही मिलता है, तो इस कारण से। पंडित रामकृष्णा, नियम नियम होता है और आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि हम नियम को लेकर कितने कठोर हैं। ज्ञात है महाराज, बहुत कठोर है। यदि ज्ञात है तो अब तक अनुवाद का कार्य आरंभ क्यों नहीं हुआ है पंडित रामकृष्णा? 5 माह पूर्ण हो चुके हैं आपके अष्ट दिग्गज के पद पर, अर्थात अब केवल 1 माह शेष है। आपका कार्य अब तक आरंभ नहीं हुआ है, अनुवाद का कार्य कब आरंभ करना चाहेंगे आप, समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात? बोलिए 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 पंडित रामकृष्णा। जी महाराज। जी नहीं नहीं महाराज, आप चिंतित ना हो, मैं 1 माह में ग्रंथों को अनुवाद करने का कार्य पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, हमें आपसे ऐसी आशा थी। अब तो प्रयास ही कर सकता हूँ महाराज, क्योंकि 1 माह में ग्रंथों का अनुवाद करना मुझे तो असंभव प्रतीत हो रहा है।